हमने 1 से 9 लिखना सीखा है। हम जानते हैं कि बच्चे गिनती करना जान चुके हैं। मेरे पास एक सवाल है। 1 से 9 हम लिखते हैं। जब हम संख्या को लिखते हैं, हम उन्हें ऐसे क्यों लिखते हैं? मुझे बताओ, क्या उन्होंने इसके बारे में सोचा है? अब 5। हम 5 इस तरह क्यों लिखते हैं? हम इसे 5 क्यों कहते हैं? इसी तरह हम 8 ऐसा क्यों लिखते हैं? क्या ऐसा कभी सोचा है? यह ऐसा ही होता है। उन्होंने हमें ऐसे ही सिखाया है। हमारे शिक्षक, माता पिता, उन्होंने हमें ऐसा ही सिखाया है, इसीलिए हम इस तरह से लिखते हैं। या हम उन्हें कोई वैकल्पिक उत्तर दे सकते हैं? ये एक प्रतीक है। 1 से 9 ये प्रतीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने सिखाया है। 7, 8, 9 ये सारे प्रतीक हैं। ये ऐसे ही हैं। 0 भी एक प्रतीक है। हमने उन्हें गिनती सिखाई। 9 के बाद 10, 11, 12। 10 लिखने के लिए हम 0 को 1 में क्यों जोड़ते हैं? हम इस प्रतीक को दोबारा लिखते हैं। हम 0 का पुनः उपयोग क्यों करते हैं? क्यों? हम किसी अन्य प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं। हम एक स्टार बना सकते हैं या कोई और प्रतीक। हमने 1 और 0 क्यों लिखा? इसके हमें कई उत्तर मिलेंगे। यह ऐसा ही है। 1 और 0 10 होते हैं। यह स्थानीय मूल्य है। इसे हम दशमलव प्रणाली कहते हैं। दशमलव प्रणाली में हम 10 को 1 और 0 लिखते हैं, सही? लेकिन दशमलव प्रणाली बच्चों के लिए बहुत बड़ा और कठिन शब्द है। भविष्य में उन्हें अपने सभी गणनाओं के अधिकार के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अब तक वे इन प्रतीकों को याद कर चुके हैं। अब उन्हें प्रतीकों का पुनः उपयोग करना पता होना चाहिए, और ये भी कि 10 और 20 में इसका पुनः उपयोग किया गया है। दोबारा उपयोग करते हैं। बाद में 11, 12 जारी रहेगा। 19 के बाद 20, 2 और 0 ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर इसे कहानी के रूप में समझाया जाए तो बच्चे इसे तेजी से सीखेंगे। दशमलव प्रणाली हम सभी के लिए एक ज्ञात विधि है। बच्चों के लिए हम इसे एक कहानी के रूप में पेश करते हैं। आइए हम कोशिश करते हैं। अगर ऐसा करने से वे कम गलतियां करते हैं या इस अवधारणा को अच्छी तरह से समझते हैं, हमें संतुष्टि मिलेगी, है ना? बच्चों को त्योहार बहुत पसंद होते हैं और उत्सव उन्हें आकर्षित करता है। तो आइए किसी ऐसे त्योहार की बात करते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं। मैं संक्षेप में बताऊंगी, लेकिन कक्षा में आप प्रश्नों के साथ विस्तृत कर सकते हैं और भी अच्छा होगा। एक गांव में एक बड़ा त्योहार हो रहा था। गांव के सभी बच्चे उस त्योहार में अपने मित्रों के साथ गए। उनसे पूछे, कितने गए? 12 दोस्त त्योहार में गए। 12 दोस्त एक साथ खुशी से गए। आप त्योहार में क्या देखते हैं? अगर आप उनसे पूछें तो बच्चे खुशी से भाग लेंगे। फिर क्या हुआ? त्योहार खत्म हो चुका है। शाम हो चुकी है। जब त्योहार शुरू था तब बच्चों ने बहुत सारी मिठाई और खिलौने खरीदे थे। लौटते समय घर जाने वाली बस जा चुकी थी। अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। अब वे क्या करेंगे? ये छोटे बच्चे हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के। अब वे क्या करेंगे? फिर उनमें से एक कहता है,
मेरे पहचान में एक चाचा है। उनके घर के सामने एक गली है, ये बहुत खास गली है। उस गली के किसी भी घर में कोई भी रह सकता है। इसी तरह वे बनाए गए हैं। इन घरों में कई सारे कमरे हैं। मेरे पिता ने बताया है, क्या हम वहां जाएं? वे एक साथ गली में जाते हैं। वे सब मान जाते हैं और गली में जाते हैं। पहले घर में प्रवेश करते हैं। वहां क्या वे एक साथ जाएंगे? वे तो बच्चे हैं, है ना? कुछ दौड़ते हुए जाएंगे, कुछ धीमी गति से चलेंगे, कोई स्नैक्स लेने के लिए जाएंगे और फिर अपने दोस्तों से मिलेंगे। वे ऐसा करेंगे। पहले उनमें से 5 बहुत तेज दौड़ते हैं। वे जाके किसी घर का दरवाजा खटखटाते हैं। आइए इस घर का चित्र बनाते हैं। अब उन्होंने दरवाजा खटखटाया। फिर एक चाचा ने दरवाजा खोलकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने पूछा। घर के सामने एक बोर्ड लगा था, इकाई चाचा। बच्चों ने पूछा, इकाई चाचा, हमारी बस तो जा चुकी। लगता है कि आपके घर में बहुत जगह है, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? बच्चों ने पूछा। चाचा ने पूछा, आप कितने हैं? कितने आए हैं? 5 बच्चे आ चुके हैं, है ना? 3, 4, 5, 5 बच्चे आ चुके हैं। इन 5 बच्चों को जगह चाहिए, उन्होंने पूछा। चाचा ने कहा, मेरे घर में 9 कमरे हैं, लेकिन हर कमरा छोटा है, बहुत छोटा। एक कमरे में केवल एक ही रह सकता है। मैं एक कमरे में ज्यादा नहीं रहने दूंगा। आप सब अकेले रहेंगे, ठीक है? वे कहते हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वह 5 बच्चों को 9 कमरों में बिठाते हैं। वे अपने कमरों में प्रवेश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे। वे सब अपने कमरे में जाते हैं। अब क्या होता है? कुछ और बच्चे वहां आते हैं। 5 पहले पहुंचे हैं, अभी और आने बाकी है। फिर दरवाजा खटखटाते हैं। चाचा, हमें भी अंदर आना है। आप कितने हैं? 1, 2, 3, 4 है। मेरे पास और 4 कमरे हैं। 1, 2, 3, 4 कमरे हैं। आप चारों रह सकते हैं। 9 कमरे हैं। हर एक कमरे में एक बच्चा रहता है। वो इन्हें भी रहने की जगह देते हैं। 1, 2, 3, 4। अब 9 कमरों में 9 बच्चे हैं। सारे कमरे भर गए हैं। सारे कमरे भर चुके। अब एक और बच्चा आता है और दस्तक देता है। चाचा कहते हैं, तुम तो देरी से आए। मेरे पास तो और कोई कमरे नहीं बचे। सभी तो भर गए। तुम एक काम करो, तुम अगले घर जाओ। मेरे भाई का घर है, उसके पास बड़े कमरे हैं, बहुत बड़ा घर है। जाओ उससे पूछो। ठीक है। वो बच्चा जाकर उनका दरवाजा खटखटाता है। जब वो वहां जाता है, इस चाचा का नाम क्या है? इकाई चाचा। इनकी बगल के घर का नाम है दहाई चाचा। हर कोई उन्हें प्यार से 10 कहते हैं। बच्चा उनसे जाके पूछता है, क्या आप मुझे रहने की जगह देंगे? मेरे सारे दोस्त बगल के घर में हैं, मैं अकेला बचा हूँ। ओ, तुम अकेले बचे हो? मेरे घर में बड़े कमरे हैं, बहुत ज्यादा जगह है मेरे घर में। तुम कितने हो? मैं अकेला हूँ चाचा। ओ, तुम अकेले हो? मैं सिर्फ एक को जगह नहीं दे सकता। मेरे कमरे बहुत बड़े हैं। हर एक कमरे में 10 लोग रह सकते हैं। मैं एक कमरे में 10 से कम कुछ भी समायोजित नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा है। मैं तभी दूंगा जब 10 होंगे। आप
अपने 9 अन्य दोस्तों को भी लाए और मैं आपको जगह दूंगा, ठीक है? बच्चा सोचने लगता है, अब क्या करे? दूसरे घर में 9 बच्चे हैं, अगर मैं जोड़ूं तो 10 हो जाएंगे। वो वहां जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, आओ पड़ोस वाले चाचा के घर में रहने के लिए जाते हैं। अब इकाई चाचा के घर में 9 बच्चे थे, वे सभी 10 के रूप में समूह में आते हैं और दहाई चाचा के घर जाते हैं। चाचा कहते हैं, मैं तुम सभी को एक कमरा दूंगा, ठीक है? सभी दोस्त एक ही कमरे में रहने के लिए सहमत है, वे इस कमरे में रहेंगे। कृपया ध्यान दें, हमने अभी भी इसे 10 नहीं लिखा है, हमने सिर्फ दर्शाया है कि वे इस कमरे में रहेंगे। सारे 10 बच्चे इस कमरे में रहेंगे। इस दहाई घर में कितने कमरे भरे हैं? एक कमरा भरा है, मैं यहाँ एक लिखूंगी। इकाइयों के कमरे में कौन है? यहाँ कोई भी नहीं, यह शून्य है, इसीलिए मैं यहाँ शून्य लिखूंगी। तो दहाई चाचा के घर में कुल 10 बच्चे हैं, एक कमरा भरा है। इकाई चाचा के घर कोई भी नहीं, तो ये शून्य है। एक साथ ये 10 है। इस तरह मैं लिखूंगी, इकाई के घर शून्य और दहाई के घर यहाँ एक है। इस तरह कहानी के माध्यम से हमें उन्हें सिखाना है। और 2 आते हैं, कहानी को आगे बढ़ाएं। इन्हें कहाँ रखें? इकाई चाचा के घर। ये 2 इकाई चाचा के घर रहेंगे। दहाई चाचा के घर एक कमरा भरा है, इकाई चाचा के घर के 2 कमरे भरे हैं, और इसलिए हम 12 ऐसे लिखेंगे। अगर कहानी को बढ़ाते रहें, तो हम सैकड़ों चाचा का घर भी बना सकते हैं। आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी रचनात्मकता पर छोड़ देंगे। सैकड़ों नानी और हजारों दादा, इस तरह आप कहानी बढ़ा सकते हैं। एक बार बच्चे इस संकल्पना को समझ जाएंगे, तो वे खुद से विचार करने लगेंगे। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इकाई चाचा के घर में 9 कमरे हैं और हर कमरे में एक व्यक्ति रह सकता है। दहाई चाचा के घर हर कमरे में 10 लोग रह सकते हैं, न ज्यादा न कम। हर कमरे में 10 व्यक्ति होने ही चाहिए, ऐसे ही उनके पास 9 कमरे हैं। सैकड़ों नानी के घर में और बड़े कमरे हैं। यहाँ एक कमरे में 100 को समायोजित कर सकते हैं। यह एक बड़ा कमरा है। इस घर में भी 9 कमरे हैं। इस तरह कहानी बढ़ेगी। अब हम इसे निरूपणात्मक माध्यम से दिखाते हैं। कहानी सुनाने के बाद हम इसे प्रतिनिधित्व के रूप में कैसे पेश करेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले है इकाई चाचा का घर, फिर दहाई चाचा का, अब हम सैकड़ों नानी का घर भी देखेंगे, इसी तरह हजार का भी घर देखेंगे। अब कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे, यानी दहाई के घर, यहाँ देखो दहाई के घर में एक कमरा भरा है। हमने 10 लिखना सीखा है, हम इसे इस तरह दर्शाते हैं, 10 यहाँ है। इकाइयों के घर में 2 है, अब यहाँ एक कमरा भरा है और यहाँ 2 कमरे भरे हैं, कुल मिला के 12। इसी तरह कहानी के रूप में सिखाया। यहाँ एक चीज देखनी होगी, निरीक्षण करना होगा। बच्चे खुशी से सीखेंगे और कहानी के रूप में याद रखेंगे, उन्हें इसमें बड़ा मजा आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें संदेह हो जाता है, क्या कोई ऐसा घर होगा जिसमें केवल एक व्यक्ति को ही समायोजित कर सकते हैं? ऐसी शंकाएं हमें अक्सर आ सकती हैं, तो आप एक बेहतर कहानी बना सकते हैं। अब हमारे पास कुछ मनके हैं, अलग अलग रंगों के मनके। हम 10 मनके मिलाकर एक रिंग बना सकते हैं, 10 मनकों का एक बंडल बनाकर एक चूड़ी बना सकते हैं। अब इन 10 रिंगों से
हम एक चूड़ी बना सकते हैं, सारे रिंग्स की मिलकर एक चूड़ी। इस तरह रिंग, चूड़ी, चेन। अपनी रचनात्मकता से कोई कहानी बनाए या एक बड़ा डिब्बा ले या एक बॉक्स जिसमें 9 भाग है, छोटे छोटे भाग, या एक बड़ा डिब्बा जिसमें बड़े बड़े भाग है। इस तरह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। और जब आप कहानियों के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे तेजी से सीखते हैं।